नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के मऊ जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूली बच्चों से भरी एक टेम्पो को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 3 बच्चों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनमें से 2 बच्चों की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें वाराणसी के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया गया। पूरा मामला हल्दरपुर थाना क्षेत्र के मुसवा मोड़ का है, जब डीडी पब्लिक स्कूल की टेम्पो छात्रों से भरी टेम्पो जा रही थी। इस बीच एक प्राइवेट बस ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। इस दौरान काफी बच्चों को चोट पहुंची। इसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनमें से 2 बच्चों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में डीएम और एसपी ने जाकर बच्चों का हाल चाल जाना। वहीं इस घटना से पूरे जनपद में अफरा तफरी का माहौल है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के मऊ जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूली बच्चों से भरी एक टेम्पो को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बस धक्का मार दिया है। तो आप लोग किस गाड़ी में थे सवार? आप लोग ऑटो में? कितने लोग दोस्त थे आपके गाड़ी में? कितने लोग? कोई कैसे लोग